है। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ, प्लीज। ए, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? जी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है, इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। चार लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन ऑपरेशन डी, एन ऑपरेशन बियॉन्ड रेगुलर रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। Rule 1. Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2. Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3. The mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4. Rule 10. The Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता, मैं सीएम से बात करके आता हूँ सर। एक और रिक्वेस्ट थी, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ, अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी, वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। वीर है ये, वीर है ये, वीर है ये, शूर वीर महाबली, सूर्य सा ये तेज है, तौ सितारे भी के सारे कोई ना है, इनके आगे ये झुका दे आसमां को जब ये चाहे खान दे। गेम है, गेम है, गेम हर और है। ये है ऑर्डर लेटर, ये है ऑपरेशन लेटर। भागता 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 हर चोर है, Singham is the Singham। देखते इसे भागते सारे दुश्मन। Singham, Singham is the Singham। झगड़े फसाद इनके आते ही जाते थम। ऑपरेशन डी, खाकी वर्दी वाले एक नजर जो देखे, लोग छोड़ देते इनके रास्ते, देखते ही इनको अपराधियों के होश उड़ जाते, देह कांपते। होशियार खबरदार करती है पुलिस, कश्तियां शहर में लगाती है पुलिस, नीचे वाओ भलू कर।
आकर्ष है, घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी घर के बाहर आ जाओ। ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा, कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो, तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बाहर दहाड़ता है, आपको उसकी याद आती है, आती आती है, मेरा पेट खराब है। देखो ना माँ, ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है, वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है, उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है, अंडा आप 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धन लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर गंगनम स्टाइल में डांस करेगी। Gangnam Style, op, 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 Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 수리야, 그 너 사귀야. 아우. तुम सूर्या के दोस्त हो ना, मैं जानती हूँ। क्या हुआ, आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ, अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है, अभी उतारती हूँ। मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेज बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ, बुद्धू हो ना दीदी। एक मिनट, आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। मुझे तो मैं, रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको बताए, लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ, वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए, उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी, अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया, यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ, प्लीज। ए, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? जी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी, आपको उनसे पूछना चाहिए था। नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू मैं? मैडम वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं, अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? Hey, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं नहीं, कौन जा रहा है भाग के यहाँ? सिचुएशन संभाल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी बस, और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? फसा दिया ना मुझे। हाँ जी, अब जा घर जा। हाँ, वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अलीबाग आइए कह के बुलाया था, सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया अभी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना, तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो, ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी बताता हूँ, मैं तो देख ला खुद ही संभालो। काव्या, वन साइड लव है,
कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, जस्ट लीव इट। आ जाओ वही है सूर्या सिंह का एफआईआर कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी ये लो। निशाना साथ लिया है ना? हाँ भाई साथ लिया, वो एकदम मेरे सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए, गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ? क्या होगा तुम्हें? गोली किसने चलाई? सर सामने वाले और से चलाइए सर। अरे पानी को गोली लग गई। हाँ सर, उसे जल्दी से हवा के लेकर जाता। शूटर को सिंघम ने गोली मार दी भाई। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? कुचल दो। मारे कुचल दो। चढ़ा दे गाड़ी उसके ऊपर। पता लगा है कि वो एक श्रीलंकन है सर। हाँ। एक्यूज का मोबाइल फोन सर बॉडी के पास पड़ा था। अरे शार्प शूटर के मोबाइल से फोन आ रहा है। ए भाई कैसा है तू? कौन? डी। डी मतलब? डी बोलो तो, दिल, डर, धड़कन, दुनिया, दोस्त, दुश्मन। तेरा दुश्मन सूर्या सिंघम। अबे तू क्या पागल हो गया है? मुझे मारने के लिए श्रीलंका से शूटर बुलवाया और उसे मारने के लिए बस एक कार। मैं सब जानता हूँ। तुझे अरेस्ट करने के लिए मैं बॉडी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। भाई रुक, गाड़ी घुमाओ। भाई को अरेस्ट करना है सर? नहीं, बस यूं ही कह रहा था। अगर ये फोन लेकर उसे घर गए तो वो कह देगा कि गलती से मेरा रॉन्ग नंबर लग गया था। बच गया भाई।